उदाहरण 14, किसी देश की जनसंख्या को विभिन्न वर्षों में निम्नलिखित आलेख द्वारा दर्शाया गया है। आलेख का अध्ययन कर निम्नलिखित सवालों के हल खोजिए। प्रश्न पहला, सबसे अधिक जनसंख्या कौन से वर्ष में थी? दूसरा, सबसे कम जनसंख्या कितनी है? तीसरा, कौन कौन से वर्ष ऐसे हैं जिसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई? चौथा, कौन से वर्ष ऐसे हैं जिसमें जनसंख्या में गिरावट आई? पांचवा, प्रारंभ के 5 वर्षों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है या कमी आई है? आइए इन आंकड़ों पर थोड़ा और विचार करते हैं। यदि हम वर्ष 1900 से वर्ष 1950 तक के प्रारंभिक 50 वर्षों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है। उसके बाद के वर्षों की बात करें तो वर्ष 1950 से 1970 तक जनसंख्या में गिरावट आई है और उसके बाद फिर से वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1990 से 2010 तक के आंकड़े भी जनसंख्या में वृद्धि दिखा रहे हैं। आपने देखा कि बार बार जनसंख्या के आंकड़ों के बदलने की दिशा में कई बार परिवर्तन आया। अलग अलग समय पर आंकड़ों में वृद्धि तथा गिरावट से आंकड़ों में परिवर्तन की दिशा कई बार बदली। इसे आंकड़ों का रुझान कहते हैं। आंकड़ों का रुझान हमें आंकड़ों के बारे में भविष्य के पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 15, किसी प्रदेश में मछली उत्पादन से संबंधित आंकड़े नीचे ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। ग्राफ का अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित सवालों के जवाब खोजिए। प्रश्न पहला, वर्ष 2011 से 12 में कितना मछली उत्पादन हुआ? दूसरा, अधिकतम मछली उत्पादन कौन से वर्ष में हुआ? तीसरा, क्या मछली उत्पादन में लगातार वृद्धि दिख रही है? जब भी हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, हम आंकड़ों में बदलाव के कारणों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण में मछली उत्पादन में वृद्धि होने के क्या कारण है? वर्ष 2007 में उस प्रदेश की सरकार ने मत्स्य मित्र नामक योजना की पहल की, जिसमें मत्स्य विभाग ने समुदाय को साथ में जोड़कर मछली पालन को प्रोत्साहित किया। अब प्रदेश विभाग के साथ हजारों की संख्या में समुदाय के लोग हैं जो विभाग को मछली पालन के लिए अनुकूल स्थान खोजने में मदद करते हैं और साथ ही मछली उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े दर्ज करने में भी भूमिका निभाते हैं। मछली उत्पादन में समुदाय को सक्रिय रूप से जोड़ लेने के कारण प्रदेश द्वारा किए गए उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई। पिछले आंकड़ों के आधार पर बहिर्वेशन करने पर यह अनुमान लगाया गया कि वर्ष 2015 से 16 तक मछली उत्पादन 1,20,000 टन तक पहुँच जाएगा। हमने सीखा, 1, स्तंभ आलेख व तालिकाएं आंकड़ों को समझने में मदद करती हैं। 2, विभिन्न परिस्थितियों में विचाराधीन आंकड़े ही प्रेक्षण होते हैं। 3, औसत एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के पूरे समूह का गुण बताती है। 4, औसत दिए गए प्रेक्षणों के सबसे कम व सबसे अधिक मान के बीच में ही होता है। 5, आंकड़ों के औसत को सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। 6, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक आंकड़ों के प्रतिनिधि मान होते हैं। 7, माध्यिका वह आंकड़ा है जो व्यवस्थित प्रेक्षणों में आए मान के ठीक बीच में होता है। 8, बहुलक वे मान होते हैं जो दिए गए प्रेक्षणों में सबसे अधिक बार होते हैं। 9, आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर होने पर उन आंकड़ों के माध्य से निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हो सकता है। 10, व्यक्तिगत श्रेणी में दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। 11, दिए गए प्रेक्षणों में अधिकतम व न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं, यह प्रेक्षणों के मान का फैलाव दिखाता है। 12, व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है, समांतर माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या। 13, असतत व वर्गीकृत श्रेणी में समांतर माध्य निकालने का सूत्र निम्नलिखित है, एक्स बार बराबर समेशन एफ आई इंटू एक्स आई बटे समेशन एफ आई। 14, व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करते समय प्रेक्षणों या पदों की संख्या के विषम होने पर निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं, माध्यिका बराबर कोष्टक में एन धन 1/2 वां पद। 15, व्यक्तिगत श्रेणी के आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करते समय
प्रेक्षणों या पदों की संख्या के सम होने पर निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्यिका बराबर एन बटे दोवां पद धन कोष्टक में एन बटे दो धन एकवां पद पूरे के बटे दो। 16. वर्गीकृत श्रेणी में दिए गए आंकड़ों की माध्यिका की गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। माध्यिका बराबर एल धन कोष्टक में एन बटे दो ऋण सी एफ बटे एफ कोष्टक बंद गुणित एच। 17. वर्गीकृत श्रेणी में दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। बहुलक बराबर एल धन बड़े कोष्टक में एफ वन ऋण एफ जीरो बटे दो गुणित एफ वन ऋण एफ जीरो ऋण एफ टू कोष्टक बंद गुणित एच। 18. आलेख की मदद से आंकड़ों के परिसर में ऐसे मान भी ज्ञात कर सकते हैं जो आंकड़ों में नहीं दिए गए हैं, अंतर्वेशन कहलाता है, किंतु ऐसा हर प्रकार के आंकड़ों के लिए संभव नहीं है। 19. आलेख में रेखा के बढ़ने की दिशा व घटने की दिशा के आधार पर आंकड़ों के परिसर के बाहर के मान ज्ञात करना बहिर्वेशन कहलाता है। यह भी आंकड़ों में रुझान स्पष्ट होने की स्थिति में किया जा सकता है।